से एक के ऊपर एक मैं कौन हूँ चढ़ जाए। इस तरह की ओशो ने पांच विधियां दी हैं। एक ओंकार ध्यान जिसने कभी किया हो अभी या करते हो, ओम 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 बोलना है, वो भी इसे चार तल पे है। फिर मैं कौन हूँ, एक सोहम ओशो ने वो भी चार तल पे कहा है, करने को सुनने को। और एक ध्यान है इबादत चिक, वो भी ओशो कहते हैं चार तल से। आपको जोर से पूछना है, अल्लाह अल्लाह करना है, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर सिर्फ सुनना है, गूंज ही रहा है और आपको सुनना है, ऐसे ओम और राम। एक विधि ओशो ने राम की विधि है जिसमें आपको चार तलों पे राम सक्रिय हो गया, तो फिर उससे और ऊपर तीसरे चक्र पर आए, ध्यान को रखें और वो चक्र सक्रिय होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन देखा, जब आपको लगे, हो सकता 15 दिन लगे, महीना भर लगे, 3 महीना लगे, क्योंकि आपकी मैं कौन हूँ प्राणों के कोने कोने में पूछते चले जाएं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछें पूरी शक्ति से, जरा भी शक्ति पीछे करता हो घुट जाए, एक ही बात कहे मैं कौन हूँ, रुकती हो रुक जाए, लेकिन जानना ही है, पहचानना ही है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूं का तीव्र स्मरण करते समय ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र पर, ध्यान आज्ञा चक्र पर, और पूछना जाए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछने की करें, बाकी पूरा संकल्प, एक ही बात कहे मैं कौन हूं, परिणाम उसे ही मिलेंगे, मैं कौन हूं, बार बार ओशो याद दिला रहे हैं, मैं कौन हूँ, पूरी सब, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बार बार, मैं कौन हूँ, सारी शक्ति से पूछे मैं कौन, पूरे संकल्प से पूछे कि मैं कौन, और पूछते चले जाएं अत्यंत तीव्रता से, सघनता से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं, पूरी शक्ति, बड़ी पीड़ा है, उस पीड़ा को, उस दुख को और बदल दे, इस्तेमाल किया हुआ जो मुर्गी देखता नहीं आपकी ओर, कोई जीवन देखता नहीं, और बड़ी पीड़ा है,